दोस्तों, ठंड का मौसम जाने वाला है। देखिए, आम के फूल निकल आए हैं। इसको हम अपनी भाषा में मंजर बोलते हैं। ये आम का मंजर है। तो आप देखिए, पूरे पेड़ में आम के मंजर निकल आए हैं। इसका मतलब अब बसंत ऋतु शुरू होने वाला है और ठंड का मौसम ख़त्म होने वाला है। इस हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की प्लानिंग कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं अपने गांव के सनसेट पॉइंट की तरफ। और मेरे गांव का जो सनसेट पॉइंट है वो मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि 2 दिनों से मौसम काफ़ी ख़राब था। बादल छाए हुए थे, बारिश आने की संभावना थी, लेकिन आज मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं मौसम साफ हो चुका है। तो हमें लगता है कि आज सनसेट अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों, वहाँ जाने से पहले दिन भर घर का कुछ छोटे मोटे काम है, मैं उसे पूरा कर लूँ। तो दोस्तों, क्या काम है चलिए दिखाता हूँ। मेरे खेतों में कुछ छोटा मोटा काम है, उसे कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे सनसेट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम लोग सनसेट पॉइंट से कुछ दूरी पर हैं और ये मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, ये है मेरे डिस्ट्रिक्ट का बाईपास, गुमला का बाईपास। और ये NH 43 से निकलती है और 143 NH को क्रॉस करते हुए फिर से NH 43 में मिल जाती है। तो जो NH 43 है वो रांची को छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करती है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है, हमें जाना है इस तरफ। और देखिए सूर्य भगवान का क्या हाल है, अभी तो बादल चढ़ा है। देखते हैं कि हम लोग सनसेट देख पाते हैं या नहीं देख पाते। दोस्तों, आखिरकार हम लोग पहुंच गए मेरे गांव के सनसेट पॉइंट पर। तो देखिए, ये पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं इसके ऊपर हमें अभी चढ़ना है। तो देर न करते हुए चलिए चढ़ते हैं ऊपर। Thank you.
तो दोस्तों ये खूबसूरत शाम होने वाली है और हम लोग अभी इंतज़ार करेंगे सूर्यास्त होने का। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।